और अंग्रेजी के स्कूल के सभी बच्चे आज यहाँ मंच पर हमारे साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। से यहाँ मदन बहुत मशहूर हिंदी फिल्मों के आपके सविता जी, सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षिकाएँ, भाइयों बहन, अजय जी मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, पर्सनल फ्रेंड हैं, वर्षों से जानता हूँ उनको। और सच पूछिए तो स्कूल कॉलेज चलाने के लिए अजय कॉल जैसे तपस्वी लोगों को ही आगे आना है। ये जो हर जगह पॉलिटिशियन, बिल्डर, कॉर्पोरेट हाउस के बड़े बड़े व्यापारी जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, वो दरअसल स्कूल कॉलेज के नाम पे दुकान चलाते हैं। यहाँ पे सही मायने में शिक्षा का मंदिर चलता है। और शबनम कपूर इस समय बहुत जोरदार तालियां बजा रही है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अजय जी, आपको आपका जो पूरा एक सफर है और उस सफर का जो आज 37वां पड़ाव है, 37th एनुअल फंक्शन है आपके स्कूल का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे सही व्यक्ति के हाथ में है, सही व्यक्ति के नियंत्रण में है। निश्चित तौर पर आपके बच्चों का भविष्य अजय जी के नेतृत्व में, अजय जी के देख रेख में बहुत अच्छा होगा, ऐसा कम से कम मैं विश्वास करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और अजय जी आपने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Requesting madam to speak a few words. Respected Ajay sir, students, teachers, all parents, and respected Controversies sir. Thank you so much sir कि आपने मुझे इधर invite किया, such a big place. Thank you once again. और मैं सभी teachers को hats off करना चाहूँगी कि सच में इतना बेहतरीन dance किया है बच्चों ने कि सच में बचपन की दिन याद आ गए। और आप सभी को 37 एनुअल डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे टीम की तरफ से, थैंक यू सो मच। मैडम हरसेल्फ इज अ टीचर, सो शी हैज अंडरस्टूड द वैल्यूज ऑफ टीचर, थैंक यू मैडम। नाउ आई नो बिफोर I know you all are eagerly waiting to hear from her, but before that I take this opportunity to welcome Madam Anita Raji. Thank you ma'am. Madam, please. Good evening, my dear friends, esteemed guests, and my beautiful children. Thank you so much for welcoming me on the 37th annual day function of the school. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अजय कॉल जी को आज मिली हूँ, लेकिन मेरा कॉल आपसे सीनियर कॉल आपसे बहुत सालों का रिलेशनशिप है। शबनम जी, it was such a pleasure meeting you after so many years. और हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, चिल्ड्रन हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। और अजय जी, इससे बहुत बड़ी चीज आप बच्चों को नहीं दे सकते। We just pray and hope कि आपका इंस्टीट्यूशन हर कोने में खुले। थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। Thank you very much, ma'am.
ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे देश के भविष्य हैं, और उन बच्चों का भविष्य ऐसे स्कूलों में कॉलेजों में गढ़ा जा रहा है, और इन बच्चों की जब उपलब्धि दिखती है तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए स्कूलों का जो अपना एक एनुअल फंक्शन होता है उसका एक अलग फ्लेवर होता है, अलग मजा होता है। बच्चे जो पूरे साल पढ़ने लिखने पे ध्यान देते हैं, आज के दिन वो पूरा मस्ती करते हैं, डांस प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोग्राम, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और इसी में जो अच्छे बच्चे हैं उनका एक फेलिसिटेशन भी होता है। तो ऐसे कार्यक्रमों में आकर के निश्चित तौर पे जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी, उनके साथ भी उनका भी जो हौसला अफजाई होता है। और मैं तो अजय कौल को व्यक्तिगत तौर पर बहुत वर्षों से जान रहा हूँ, तो बहुत ही तपस्वी किस्म के व्यक्ति हैं और बहुत मन से, बहुत लगन से अपना स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, और इनके यहाँ जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का भविष्य अच्छा हो ये शुभकामना देने के लिए आया हूँ। मेरा एक अपना विचार है कि देश में पॉलिटिशियंस को, बिल्डर्स को, व्यापारियों को स्कूल कॉलेज नहीं चलाना चाहिए, वो धंधा बना लेते हैं। खासकर मुंबई में जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो जो पूरा लेआउट डेवलप कर रहे हैं, उस लेआउट में जहां भी एजुकेशन के लिए रिजर्व जगह है वो किसी एजुकेशनिस्ट को देने के बजाय वो बिल्डर खुद अपनी दुकान खोल ले रहा है वहां पे, ये गलत हो रहा है। स्कूल कॉलेज चलाने वाले जो लोग होते हैं वो एक खास टेम्परामेंट के लोग होते हैं, उनके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और अजय में वो कमिटमेंट है। और इसलिए मैंने कहा कि पूरे देश में जो शिक्षाविद हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ही मौका मिलना चाहिए स्कूल कॉलेज चलाने के लिए, वरना जो हमारे देश में आज जो पॉलिटिकल लोग हैं या धंधा करने वाले लोग हैं वो तमाम धंधों के बीच एक स्कूल का भी धंधा शुरू कर रहे हैं। इसकी वजह से एजुकेशन पर भी पूरा असर पड़ रहा है, और पूरा जो है एक एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो एक पूरी दुकान खुल रही है उससे कई अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए, नीरव मोदी जी का घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। भले ही नीरव मोदी वर्षों से धंधा कर रहा है, लेकिन जो उसके एलओयूज डिफॉल्ट कर गए, और जिन एलओयूज की वजह से पंजाब नेशनल बैंक और उससे जुड़े कई बैंकों के लगभग 11,500 करोड़ रुपए उसने चंपत कर दिए, वो सब कुछ 2017-18 के बीच में हुए, और ये सब 2016 में प्रधानमंत्री जी को बताया गया था कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी, जो एक गीतांजलि जिम करके एक बहुत बड़ी डायमंड कंपनी चलाते हैं, ये सभी लोग डायमंड मर्चेंट के नाम पे, डायमंड के धंधे के नाम पे बैंकों से बड़े पैमाने पर पैसे ले रहे हैं, और विदेशों में जो ब्रांचेज हैं उनके नाम पे ऑथराइजेशन लेकर के ओवर इन्वॉइसिंग का धंधा कर रहे हैं, और उस ओवर इन्वॉइसिंग में बड़े पैमाने पर हवाला का धंधा है। और ये सब 2016 में प्रधानमंत्री जी को बताया जाता है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी नीरव मोदी को लेकर के दावोस जाते हैं, उनको अपने तमाम जो मेन बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं उनकी एक सूची में उसको शामिल करते हैं, अपने साथ बैठाते हैं। हमारे पास ये भी खबर है कि दावोस में प्रधानमंत्री मोदी और नीरव मोदी की व्यक्तिगत मीटिंग भी हुई थी, 1-to-1 मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में क्या ट्रांसपायर हुआ मुझे नहीं मालूम है, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। हो सकता है कि नीरव मोदी ने अपनी तकलीफें बताई होगी, क्योंकि दावोस जाने से पहले पिछले साल ही इनकम टैक्स का भी रेड पड़ा था नीरव मोदी के तमाम संस्थानों पर, उसके बाद सेबी ने भी कई सारी नोटिस दे रखी थी। इसका मतलब नीरव मोदी कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये जानकारी प्रधानमंत्री को थी, इस देश की सरकार को थी, देश की तमाम एजेंसियों की थी। बावजूद इसके दावोस से लौटने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, केस दर्ज होता है। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं नीरव मोदी को, नीरव मोदी का घोटाला छुपाने के चक्कर में थी, और जब वो घोटाला फूटा तो नीरव मोदी को भगाने में और मेहुल चोकसी को भगाने में भी सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई। देखिए, ये एक नारा था, ये एक जुमला था। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के लोगों ने मोदी जी के इस जुमले पे विश्वास किया, और आज साबित हुआ कि मोदी जी और उसके आसपास के लोग खाते हैं, मोदी जी खुद सबको खाने देते हैं और सबको पचाने भी देते हैं, और उसके बाद भागने भी देते हैं तमाम बेईमानों को। जैसे आज नीरव मोदी भागा, उससे उसी तरह पहले कहीं विजय माल्या भी भागा था, पता नहीं और कितने कितने भागेंगे। अभी बीजेपी से जुड़े और कौन कौन लोग भागेंगे घोटाला करके,
टैक्स पेयर का पैसा जो बैंकों में पड़ा हुआ था उस पैसे को लूट के कितने लोग भागेंगे, ये शर्मनाक बात है। मैं स्वीकार करता हूं कि जब हमारी सरकार थी तब भी इस प्रकार के घोटाले हुए थे, लेकिन कोई घोटालेबाज भाग नहीं पाया था, उनको पकड़ के तिहाड़ जेल में ही डाला गया था। लेकिन आज ये सरकार जो कहती है, प्रधानमंत्री खुद कहते मैं चौकीदार हूं, आज ये चौकीदार इतना गया गुजरा निकला, इनकी चौकीदारी में बड़े बड़े घोटालेबाज देश छोड़ के भाग रहे। चलते चलते एक और सवाल सर, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के शंकर सिंह को क्लीन चीट मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे 2019 के लिए, मतलब एक चुनौती भी होगी और एक मुश्किल? इसमें पार्टी का कोई अपना स्टैंड नहीं होना चाहिए, वो उनका एक व्यक्तिगत विषय था और उस व्यक्तिगत विषय के ऊपर उनको जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है उस बारे में वो बोलेंगे और उनके वकील बोलेंगे। पेट्रोल प्राइस को लेकर क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस जगह-जगह? हम लोगों ने तो पूरे शहर में डीजल और पेट्रोल के भाव जो बेतहाशा बढ़े हैं उसके खिलाफ मोर्चा प्रदर्शन शुरू किया। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं मुंबई के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि इस समय डीजल का भाव 31-81 रुपए प्रति लीटर चल रहा है और सॉरी पेट्रोल का भाव 81 रुपए प्रति लीटर चल रहा है और डीजल का भाव 68 रुपए के आसपास चल रहा है प्रति लीटर, और ये इस समय देश में सबसे ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का भाव पेट्रोल पंपों पे जो है उसमें सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल मुंबई में मुंबई के लोगों को दिया जा रहा है। ये मुंबई के लोगों के ऊपर अन्याय है और ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का भाव लगातार गिर रहा है। हमारे जमाने में लगभग $120-130 प्रति बैरल के रेट से कच्चा तेल हम लाया करते थे और तब भी 80 रुपए का भाव कभी भी पेट्रोल का नहीं हुआ था, डीजल का भाव कभी 68 रुपए नहीं हुआ था प्रति लीटर का। लेकिन आज 50 रुपए 60 रुपए 55 रुपए 70 रुपए के आसपास कच्चे तेल का भाव है प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, फिर भी इतना महंगा डीजल पेट्रोल दे रहे, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला कर रही है और जो सामान्य नागरिक है उनके जेबों को काट रही है। इसलिए हमारी डिमांड ये रही है कि डीजल और पेट्रोल को जैसे हिंदुस्तान में सारी चीजें आपने जीएसटी में डाला है वैसे इसको भी जीएसटी में डालिए ताकि डीजल पेट्रोल सर्व सामान्य नागरिकों के लिए सस्ता हो। शुक्रिया। Oh, I loved it. I was, after very long, I saw myself on the screen, my old movies. I think it just got this old memories back. It was wonderful. And I know Kaul Saab, Ajay Kaul, I knew, of course, I just met him, but his father was very, very old association with us in the industry. And it's great to be a part of the annual function. And I hope that more institution or school institution starts with children. And of course, children are the youth. The youth and the children are the future of our country. So it was great to be. But what a wonderful thing. You can see Mr. Ajay's, I mean, he's so genuine. You can see that he's working for the children. And I think that is a great thing one can give to our children today. Education is a must. Well, let's talk about this. Not really. Thank you. एक तो इनके लिए एक बड़ी ताली होनी चाहिए। थ्री चीयर्स फॉर आरसी बॉयज, इप 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 हुरे। एंड नाउ जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। स्टूडेंट नहीं था
तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस होती थी, बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ासतौर पे क्योंकि ऐसे पैमाने पे मैंने कभी एनुअल डे फंक्शन देखा नहीं है, और ख़ास तौर पे अजय सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज बुलाया, ताकि मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँ कि आज की युवा पीढ़ी किस लेवल तक एक एंटरटेनमेंट को अपने स्कूल के लिए कहाँ कहाँ पहुँचा रही है। ये आप देखिए कितने हमारे इतने होनार बच्चे हैं, और जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ये पूरा जो एक्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मंच पे और मंच को सजाया। तो जी हाँ, मैं ज़रूर अजय सर, पहली बात तो आप सभी जानते हैं इनके बारे में, मैं अगर यू नो छोटा मुँह बड़ी बात नहीं ज़रूर कहना चाहूँगा, मगर इनके इतने स्कूल्स में से शायद सबसे छोटा स्कूल होगा, मगर इन बच्चों के लिए इस लेवल पे कुछ क्रिएट करना, ये इनका जिगरा, इनका दिल, इनकी दिलदारी दिखाता है। और अजय सर, आई एम रियली ऑनर्ड टू मीट यू, इट इज़ एन ऑनर मीटिंग यू, इट्स अ प्लेजर मीटिंग। ओके अजय जी, बेसिकली इट इज़ टू इनकलकेट वैल्यूज अमंग्स द चिल्ड्रन। We are starting with roti, bhaji, we have already started in the society, and we want it to be filtered down to the students, where we understand that every child should contribute, not taking money from the parents, but contribute something with his own pocket money, and at least serve the less fortunate brethren in the society who go hungry. That is the motto behind this annual day, and that is why we are performing a skit, so that it is infiltrated down to the students. See, my brother-in-law is an educationist himself. I still feel that India is definitely the most leading country in the world as far as education is concerned. Your top doctors, your top technicians, your top architects, lawyers, all are coming out from India. So we as Indians do concentrate on educating, and also education goes a lot with our culture. That's why if you see, compared to any part of the world, we are the most culturally sound country in the world, and I think without education none of us stand a ground anywhere. So I don't like evaluating education with money, because education is not about actually it's not even about going out there, and it's about me imparting some basic knowledge to you. It could just as simple as you know, a thing could be that I'm walking, even if I see a child on the road and I don't think he's doing the right thing, and if I just guide him through, that's also educating him. So it's not, I don't know, I somehow don't like evaluating that. Okay, so right now Firki is happening. I just finished a really long schedule in London. I'm working on Saho right now, so I'm busy globally trotting around for Saho. It's one of my biggest films right now. It's with Prabhas, Shraddha Kapoor, me. It's directed by Sujit. It's in three languages, Hindi, Tamil, Telugu. So it's difficult. Can't really take up a lot of work this year because that film's a mammoth film. And there's something really exciting I'm going to be announcing, hopefully by next month, early next month, which is something I'm really looking forward to in 2018 as well. Why don't I tell you the entire story right now? I think I should tell you the story, I should tell you the suspense, I should tell you all the dialogues also. I can say them in Tamil, Telugu and in Hindi. Jokes apart, I think it's just a pleasure being, you know, and an honor being a part of that film. It's a lovely script, it definitely has a lot of entertainment. So as an audience, as the masses, what they are expecting post Bahubali, I think Saho will offer that for sure. Okay.
और अजय कौल सर जो बहुत अच्छे से यहाँ पे विद्यार्थियों के ऊपर संस्कार करते हैं, मैं हमेशा स्कूल में आती हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो देख के मैं काफी प्रभावित हो चुकी हूँ, इसलिए हमेशा आती हूँ, जब भी वो बुलाते हैं कभी ना नहीं करती हूँ। आज भी बहुत ग्रैंड फंक्शन बनाया है, इसलिए आपका अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद। सर अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो प्लीज अपने जो एसीपी प्रतिमन कुछ तो गड़बड़ है वाले से स्टार्ट कीजिए सर, उसके बगैर तो मजा नहीं आएगा, क्या बोलते हो, है ना? अब तो गड़बड़ देखनी है सर, क्या गड़बड़ है, इतना शोर क्यों है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ है। आज चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल का 37th एनुअल फंक्शन है, ये कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। और खुशी इसलिए लगती है कि मैंने अभी पहली बार आज यहाँ आया, मुझे अच्छा तो हुआ लेकिन जैसे कहते प्लेजेंटली हैप्पीली सरप्राइज की इतनी ऐसी सुंदर विद्यालय है यहाँ पर प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक, विच इज अमेजिंग। तो जिस तरह सब रिजल्ट देखे, एच एंड एवरी रिजल्ट इज अमेजिंग, अबव 80% and 90%, तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है अनलेस जो लीड करते हैं स्कूल को अजय जी हैं और बाकी उनके जो साथी हैं वो दिल से काम करते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ इतने खुशी से बड़े होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ये सर। और सच्ची कहता हूँ, मैंने कहा था कि ये 37th एनुअल फंक्शन है, मैंने यही कहा अजय जी को कि काश ऐसी कोई व्यवस्था हो कि हम 370 साल के बाद भी आकर यही खुशियाँ देखें, यही मैसेज। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल, यू नो, गुड इवनिंग टू ऑल लवली लवली ऑडियंस आउट हियर टुडे इवनिंग। I want to first of all say a big thank you to Ajay sir. Ajay sir, thank you that you first of all considered me worthy of coming on this stage with these beautiful people, three men, everybody in the audience out there. I have never in my life experienced an annual day function this big. To be very honest, इस पैमाने पे मैंने कभी अपनी लाइफ में annual day function किसी भी स्कूल मुंबई हो या कहीं पे भी इस पैमाने पे नहीं देखा, तो इसका पूरा श्रेय मैं जरूर अजय सर को देना चाहूँगा। और खासतौर में एक मिनट लेकर मैं जरूर उन बच्चों के लिए सबने इनफैक्ट सारे ही परफॉर्मेंस अब तक जितने भी एक्ट्स हुए हैं, आई थिंक द एक्ट्स वर फैबुलस, आपकी कोरियोग्राफी सॉलिड थी, आपके कॉस्ट्यूम्स बहुत बेहतरीन थे। एक एक्ट हमारा जो आर्मी के बच्चों ने जो एक आर्मी एक्ट किया, वहाँ पे जो एक छोटा सा बच्चा ऊपर चढ़ के अपने आप को विथ सो मच कॉन्फिडेंस जस्ट सरेंडर टू देम, मैं हार्नेस पहनने के बाद भी नहीं कर सकता, तो दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट एज अ प्रिंसिपल ही इज बिल्ट इन हिज किड्स एंड स्प्रेड दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। एज फार एज योर रिक्वेस्ट इज कंसर्न, आई ट्राई, माय वॉइस इज रियली बैड फॉर यू, अजय जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहूंगा, इतना अच्छा माहौल आपने दिया। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं, ऑल गुड? बहुत अच्छा, ये एरिया मेरा जाना पहचाना सा रहा, अक्सर हम यहाँ आते रहे, अजय जी ने हमको बुलाया। 37 years ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट, 37 years of such a lovely school, and you speak so well. So, जितने परफॉर्मेंस के पहले अभी मैंने सैराट का गाना देखा और उसके बाद बाजीराव मस्तानी का, कितना बच्चे लोग, they're so good. कोरियोग्राफर जो है मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, whoever is choreographed is fantastic, and बच्चों ने बहुत मेहनत की, बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा। अभी मैं यहाँ के मैं सीनियर इंस्पेक्टर साहब काले साहब को मैं धन्यवाद कहूँगा, प्रणाम कहूँगा, और
इन्होंने बहुत अच्छी बात भी कही है जब मैं आपसे अच्छी थी मेरे भी बच्चे हैं सो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि स्कूल तो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है पढ़ाता है बच्चे को स्कूल में बच्चे 6 घंटे रहते हैं 8 घंटे रहते हैं लेकिन बाकी समय बच्चे माता पिता के साथ अपने माँ बाप के साथ रहते हैं अपने घर पर रहते हैं और आजकल बाहर वो तालीम घर की तालीम भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्कूल की तालीम है क्योंकि समय जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत मशीन की तरह फास्ट हो रहा है गलत गलत चीज़ें भी आ रही हैं समाज में तो हमको बच्चों को घर की तालीम में इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि आउटसाइड वर्ल्ड शुड नॉट स्पॉइल देम दे शुड बी बच्चे बड़े मासूम होते हैं वो तुरंत कलरफुल चीज़ों को देख के सिगरेट को देख के गलत चीज़ों को देख के थोड़ा बहल जाते हैं तो बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप आप लोग तो बहुत डेफिनेटली काबिल हैं लेकिन एक दोस्ती जैसे मैं अपने बच्चों के साथ दोस्ती करता हूँ आई एम फ्रेंड टू देम आई टॉक टू देम एवरीथिंग अंडर द सन व्हाटएवर आई कुड विद दे आर लुकिंग एट देयर एज द वे दे आर ग्रोइंग अप आई कम्युनिकेट विद देम सो दैट इज व्हाट आई फील बिकॉज ये सारा भविष्य है ये हमारे देश का भविष्य है यही बच्चे यही पढ़ के बहुत कोई इंजीनियर्स बनेंगे आईटीएंस बनेंगे टू मेनी थिंग्स वाओ जगू दादा इज कम वाओ जगू दादा इज कम तो आप लोग मैं अजय जी आपको धन्यवाद देता हूँ और लेट जगू दादा टेक ओवर नाउ फ्रॉम हियर जगू दादा तो यहाँ पर आ जाएंगे मगर आप यू आर नोन फॉर योर भोजपुरी स्टाइल यू सी यू आर नोन फॉर योर लिटिल रस्टिक स्टाइल जरा भोजपुरी में कुछ तो दो तीन लाइंस हो जाए सर कम ऑन मैं तो बहुत सारी भाषाओं में काम करता हूँ या भोजपुरी में तो यही सॉन्ग व्हाट शुड आई से आई कैन सी यू अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए थैंक यू अजय जी थैंक यू सो मच थैंक यू I would like madam to please express her views. First of all, I would like to congratulate the children. What a performance. You all really touched my heart. Wonderful. Very honest performance.
and I'm extremely happy to be here at the launch of Roti Bhaji Yojana, this wonderful concert. And I give all the congratulations for your achievement. It's amazing. And I'm so happy here. And I congratulate the Children's Welfare Center and Clara's College for their contribution. आज मैं कुछ और सोच के आई हूँ बच्चों को बातों दूंगी अबाउट देयर एजुकेशन हाउ गुड दे शुड बी विद द पेरेंट्स आफ्टर सीइंग हियर देयर परफॉर्मेंस देयर ऑनिंग देयर सिंसियरिटी सो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंड द क्रेडिट गोज टू यू सर आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच ladies and gentlemen, let me welcome these guys. This is Sanjeeva and Amiran. So enjoy this one. बिल्कुल पहले तो मुबारकबाद क्लारा के जो बच्चे आज परफॉर्म किया है एक जो इसके पहले उन्होंने किया था भूख के ऊपर और खाने के ऊपर और जो परफॉर्मेंस दिया उससे बहुत मजा आया हिल गया मैं बाकी जाके मिलूंगा अभी ऐसा आप लोग उनको भी शूट करना चाहिए हम लोग का थोबड़ा ले लेके क्या कर रहे लगे भाई लोग को भी लेना चाहिए ना ये रात के जा रहे 12 बजे फिर शूट वापिस चालू हुआ है चिल्लाऊ क्या जोर का बोलू मजे ले
फंक्शन ज्यादा लग रहा है इतने बड़े पैमाने पे एनुअल डे में पहली बार देख रहा हूँ यार मतलब हैट्स ऑफ टू दीज गाइज जिस तरीके के परफॉर्मेंसेज है जिस तरीके से बच्चे चार्ज्ड है बड़ा मजा आ रहा है एंड आई एम रियली रियली थ्रिल्ड एंड ऑनर्ड टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू दादा हियर एंड तुषार भी अभी अभी आया यहाँ पे सो वेरी हैप्पी टू बी हियर या हमारे टाइम में एनुअल डे में हम लोग ही सेलिब्रिटीज भी थे हम लोग ही परफॉर्मेंस भी थे और हमारे स्कूल के छोटे से हॉल में परफॉर्मेंस होता था बट ऑफकोर्स स्कूल की यादें तो जो उसने कहा कि हम लोग जब स्कूल में आते बच्चे बन जाते सो बहुत सारी यादें एनुअल डे की वहीं से सारा ये मामला शुरू हो गया एक्टिंग का वगैरह वगैरह जो कीड़ा घुसा वो स्कूल में घुसा था ऐसी एनुअल डे में सो इट इज अ स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई रियली वांट टू थैंक द चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल फॉर इनवाइटिंग मी टुडे थैंक यू यही मौका होता है ऐसे भी अच्छे इनिशिएटिव शुरू करने का और अगर मतलब शोशा बाकी धमाल मस्ती तो ठीक है बट इसके साथ अगर हम लोग ये ऐसा कोई अच्छा इनिशिएटिव शुरू करें तो बहुत बड़ी बात है खास करके बच्चों में इंकल्केट ये अभी इसी उम्र से उनके अंदर ये इंकल्केट करना बहुत जरूरी है ताकि आगे चल के ऑटो ये हैबिट बन जाए और ये चीजें ऑटोमेटिक बन जाए सो फॉर अ बेटर सोसाइटी इट्स द बेस्ट थिंग टू डू आप देखोगे कुछ फिल्में हैं जो बन रही है जो बन चुकी है तो इस साल में रिलीज होगी थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे घर के इतने दूर भी नहीं थोड़ी दूर इस स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पे आया हूँ मैं सी डब्ल्यू सी के और इट्स अ वेरी नाइस स्कूल और इतना बड़ा आलिशान एनुअल डे फंक्शन तो मेरे स्कूल में भी नहीं था कभी भी सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर अजय कॉल जो इस स्कूल के हेड है for having me here and I feel privileged to be amongst all the kids who are big fans of Golmaal. Okay, आपका आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है ऑफ कोर्स हमारे स्कूल जो मैं स्कूल में जिस स्कूल में मैं गया था बॉम्बे स्कॉलेज स्कूल जो माही में तो सारे जो एनुअल डे फंक्शन होते थे उसमें मतलब हम लोग प्लेस करते थे बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी एंड बहुत बहुत ज़्यादा मेमोरीज जो 80s की 80s का जो इरा था जब मैं स्कूल में था वो सारे मेमोरीज वापस आ जाते हैं हाँ जी हमें रोटी बाजी का योजना शुरू किया गया है गरीब बच्चों के लिए कि खाना खिलाया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हर स्कूल ऐसा करे तो आई थिंक रोटी की कमी कहीं नहीं होगी सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल कंसर्न जो इस स्कूल से एसोसिएट है जिन्होंने इतना अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं हाँ जी लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्यू अनाउंसमेंट्स वेरी सून आई विल मेक आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट देम राइट नाउ बट जब सब साइंड और सील्ड हो जाएगा तब मीडिया के सामने बता दूंगा लेकिन फिलहाल अभी तो मैं अभी भी गोल्ड मार्क की सक्सेस ही एंजॉय कर रहा हूँ